हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फाइनली न्यू इंडिया एश्योरेंस मतलब NICL AO का जो मेंस का मार्क्स था वो आउट हो चुका है। ठीक है, फेज टू के जो मार्क्स है वो आउट हो चुका है, कट ऑफ वगैरह सब कुछ आउट हो चुका है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी देता हूँ कि कितना कट ऑफ गया है और क्यों इतना कम कट ऑफ इस बार गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, सो आउट ऑफ 200 जनरल का जो है 100.75, EWS का 74.75, OBC 78, ST 70.75, SC 71.75। ठीक है, आउट ऑफ 200 इसका जो है कट ऑफ गया है, जो कि बहुत ही लो कट ऑफ इसमें गया हुआ है। इसका रीजन ये है कि ये डिस्क्रिप्टिव में जो है काफी लोग फेल हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में मिनिमम 30 में से 15 लाना था जनरल कैटेगरी को, EWS को 15, OBC 15, ST 13.50 एंड SC 13.50। सो इसी कारण काफी लोग जो है डिस्क्रिप्टिव में फेल हुए और इसी कारण जो है कट ऑफ यहाँ पे बहुत कम गया है। ठीक है, जनरलिस्ट पोस्ट के लिए NICL AO। अब सेक्शनल कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग की 50 में से जो है 13.25 गया है EWS UR के लिए और SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए 10.25। इंग्लिश में जो है 24.50 कट ऑफ गया है आउट ऑफ 50 सेक्शनल कट ऑफ, SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए 21.25। जनरल अवेयरनेस में 50 में से 3.75 नंबर गया है कट ऑफ, मतलब आप देख सकते हैं कितना हार्ड इसमें जनरल अवेयरनेस आया हुआ था। ठीक है, और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए OBC कैंडिडेट के लिए 1 मार्क का कट ऑफ गया था आउट ऑफ 50 सेक्शनल कट ऑफ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसमें जो आपका 50 में से 11 नंबर का कट ऑफ गया था 8.50 SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए कट ऑफ गया है। सो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आप इसमें सिलेक्टेड हुए हो। सो डिस्क्रिप्टिव के कारण काफी लोग इसमें फेल हो गए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।